अब कोरोना के दौरान कुछ लोगों ने फेसबुक पर यह लिखना शुरू किया कि कन्हैया कुमार कहाँ हैं। मन में थोड़ी सी अलबुलाहट हुई, थोड़ा गुस्सा आया। फिर हम सोचे कि क्या इस सवाल का जवाब दिया जाए कि नहीं दिया जाए। फिर हमने इस सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा। एक बार एक पत्रकार इसी सवाल को हमसे पूछा कि कोरोना में आप कहाँ थे, तो हमने कहा हम स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठ करके लूडो खेल रहे थे। बेशर्मी का कोई हिसाब किताब होता है? मंत्री बने हैं आप, सांसद बने हैं आप, सरकार चला रहे हैं आप, टैक्स लेते हैं आप, डीएम हमारा फोन सुनेगा कि प्रधानमंत्री का फोन सुनेगा? हर इतवार को आकर के मन की बात सुनाएं आप, अब फेसबुक पे पूछते हैं कि कन्हैया कुमार कहाँ है। हम जहाँ हैं वहीं हैं, हम जहाँ थे हम वहीं रहेंगे, जहाँ हम पैदा हुए हम उस मिट्टी के लिए, उस जगह के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन यह जो सवाल पूछने की बेईमानी है, इस बेईमानी का जवाब देना भी कई बार जरूरी होता है। हम कहाँ थे, आप बताइए कि आप कहाँ हैं। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि देश के भीतर हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की ऑक्सीजन से मौत हो गई है, और सरकार बेशरम की तरह कहती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। बताइए, ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। अभी जब मैं ये मास्क खोल रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि एक फर्जी आदमी ने विकास का मास्क अपने चेहरे पर लगा लिया और उस इंसान नहीं शैतान की करतूत ने हम सबको मास्क पहना दिया। ये कहने का तात्पर्य ये है कि आज हम ऐसी परिस्थिति में घिर चुके हैं कि सिर्फ सलाहुद्दीन जी ही नहीं, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका जानने वाला, जिसका परिवार का, जिसका रिश्तेदार का कोई ना कोई व्यक्ति इस बीमारी के चलते आज अपनी जान को गवा चुका है। इस मंच से हम तमाम लोगों को, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने अपनी जान गवाई है, उनको भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और यह बात सोचना चाहिए, इस बात पे विचार करना चाहिए कि ये कौन सी परिस्थिति में आज हमको ला करके खड़ा कर दिया गया है। अक्सर यह कहा जाता है कि महामारी है, बीमारी है, इसमें सरकार क्या कर लेगी। जो लोग ये तर्क देते हैं उनसे सीधा सीधा तीन चार सवाल हम पूछना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि जब देश में महामारी है, देश में बीमारी है, तो शासक अपने लिए 20,000 करोड़ का महल क्यों बनवा रहा है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत सब लोगों के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था कर दी गई है, तो लोगों की जान ऑक्सीजन के बिना, इंजेक्शन के बिना, एम्बुलेंस के बिना, बेड के बिना, दवाइयों के बिना क्यों चली गई। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि इस देश में जो 135 करोड़ लोग रह रहे हैं हम सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं, तो आपने रोजगार नहीं दिया, आपने शिक्षा नहीं दी, और जब लोग महामारी और बीमारी में घिर गए तो आपने दवाई भी नहीं दी, आपने पढ़ाई तो नहीं ही दिया, दवाई भी नहीं दी। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के बारे में हम लोगों को एक बार सोचना चाहिए। बार बार ये कहने की कोशिश की जाती है, ये गुमराह करने का कोशिश किया जाता है कि राजनीति से किसी चीज का हल नहीं हो सकता है। मैं आपको कहता हूं कि राजनीति ही सभी बीमारियों के जड़ में है। जब तक राजनीति का सही से इलाज नहीं कीजिएगा, तब तक कोरोना का भी इलाज हमको मिलने वाला नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा कि आज हम जिस परिस्थितियों में घिरे हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है। जिस परिस्थितियों में आज हम अपनों को खो रहे हैं उसका असली में कातिल कौन है। हमको ये सोचना पड़ेगा
कि देश आज कहां जाकर के खड़ा हो गया है। अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने हमसे मजाक किया कि आपके भी मोबाइल फोन में पेगासस है। हम बोले मेरे पास मोबाइल फोन ही नहीं है, हमारा तो मोबाइल फोन 5 साल से पुलिस के पास है। ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये इस देश के जज का, इस देश के पत्रकारों का, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं का, विपक्ष के नेताओं का, छोड़ दीजिए विपक्ष के नेताओं का, अपने मंत्रियों की जासूसी करवा रहे हैं और कहते हैं कि इस पे संसद में चर्चा नहीं होगी। बताइए, संसद में अगर चर्चा नहीं होगी तो कहां पर चर्चा होगी? और संसद में ये चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं? संसद में इसलिए नहीं चर्चा करना चाहते हैं कि अगर संसद में एक बार चर्चा होगी, वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, संसद में अगर एक बार चर्चा होगी तो इस बात की भी चर्चा होगी कि 200 रुपये लीटर सरसों तेल क्यों बिक रहा है, इस बात की भी चर्चा होगी कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल क्यों बिक रहा है, इस बात की भी चर्चा होगी कि 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं किसान आज भी दिल्ली की सीमाओं पर अपने फसल का दाम क्यों मांग रहे हैं, इस बात की भी चर्चा होगी कि आप कोरोना का बहाना बना करके तमाम तरीके की जो वेलफेयर स्कीम है, जो राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको आपने समाप्त कर दिया है और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से लगातार भाग रही है। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार ने कहा कि आपदा में अगर किसी की जान जाएगी तो 4 लाख रुपया दिया जाएगा। आप कहते हैं कि देश में आपदा अधिनियम लागू है क्योंकि कोरोना जो है वो एक आपदा है, तो कोरोना जब आपदा है तो कोरोना में मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और वही 4 लाख रुपया का गबन करने के लिए सरकार ये आंकड़ा बताने के लिए तैयार नहीं है कि कितने लोगों की कोरोना में जान चली गई है। क्योंकि सरकार अगर बताएगी कि कोरोना में 500 लोगों की जान गई है बेगूसराय जिला से, तो 500 लोगों को 4 लाख रुपया मुआवजा देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने सबसे पहला बेईमानी ये किया कि जिन लोगों की मौत कोरोना में हुई उनको कोरोना मौत गिनने के लिए तैयार नहीं है। कोज ऑफ डेथ में ये बार बार ये कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हार्ट फेल हो गया, कोरोना वायरस की वजह से ऑर्गन फेलियर हो गया। क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो उनको मुआवजे में 4 लाख रुपया जनता को देना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जनता को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन साहब के को उड़ने के लिए 8.5 हजार करोड़ में हवाई जहाज खरीदने के लिए इनके पास पैसा है। ये इस देश की जनता को आंख खोल करके समझना पड़ेगा। और इसीलिए जब भी हम किसी अपने साथी को याद करते हैं, जब हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो हम इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि हमारे चारों तरफ जो अराजकता फैली हुई है, इस अराजकता का सवाल हम सरकार से पूछेंगे और इसका जवाब हम सरकार से लेंगे। अब कोरोना के दौरान कुछ लोगों ने फेसबुक पर यह लिखना शुरू किया कि कन्हैया कुमार कहाँ हैं। मन में थोड़ी सी अलबुलाहट हुई, थोड़ा गुस्सा आया, फिर हम सोचे कि क्या इस सवाल का जवाब दिया जाए कि नहीं दिया जाए। फिर हमने इस सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा। एक बार एक पत्रकार इसी सवाल को हमसे पूछा कि कोरोना में आप कहाँ थे, तो हमने कहा हम स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठ करके लूडो खेल रहे थे। बेशर्मी का कोई हिसाब किताब होता है? मंत्री बने हैं आप, सांसद बने हैं आप, सरकार चला रहे हैं आप, टैक्स लेते हैं आप, डीएम हमारा फोन सुनेगा कि प्रधानमंत्री का फोन सुनेगा? हर इतवार को आकर के मन की बात सुनाएं आप, अब फेसबुक पे पूछते हैं कि कन्हैया कुमार कहाँ है। हम जहाँ हैं वहीं हैं, हम जहाँ थे हम वहीं रहेंगे, जहाँ हम पैदा हुए हम उस मिट्टी के लिए, उस जगह के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन यह जो सवाल पूछने की बेईमानी है, इस बेईमानी का जवाब देना भी कई बार जरूरी होता है।
हम कहां थे, आप बताइए कि आप कहां हैं। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि देश के भीतर हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की ऑक्सीजन से मौत हो गई है और सरकार बेशरम की तरह कहती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। बताइए, ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। दिन रात आप उस जमाने का, उस दौर का, उस महीने का आप न्यूज उठा करके देख लीजिए। आज क्या तो इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, आज क्या तो उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, सब जगह ऑक्सीजन खत्म हो गया है। ऑक्सीजन के बिना लोगों की जान जा रही है। जान जाने में छोड़िए आम लोगों की, भाजपा के एमएलए का ऑक्सीजन के बिना मौत हो गया, भाजपा के नेताओं का इंजेक्शन के बिना मौत हो गया। और इनकी अपनी ही सरकार पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, और उसका जवाब में इनके प्रवक्ता टीवी पे आकर के बोलते हैं कि राज्यों ने नहीं भेजा। अरे बेईमान, देश के 20 से ज्यादा राज्यों में तुम्हारी सरकार है, दूसरे पार्टी की सरकारों ने अगर नहीं भेजा तो क्या तुम्हारी पार्टी की सरकार ने भी आंकड़ा नहीं भेजा? ये बात को हमेशा पलट देते हैं, हमेशा ये लोगों के असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका करके जो गैर जरूरी सवाल है उसमें जनता को उलझा देते हैं। अब ये कह रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, ले आइए, कौन मना कर रहा है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाइएगा वो कानून इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होना चाहिए। पता कर लीजिए प्रधानमंत्री को क्या गो भाई बहन है। इस देश के मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए, पता कर लीजिए उनको क्या गो भाई बहन है। इस देश के मंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए, पता कीजिए उनको क्या गो भाई बहन है। समस्या इससे नहीं है कि आप किसी चीज का निदान करना चाहते हैं, आप कोई नीति लेकर के आना चाहते हैं। समस्या नीति की नहीं, समस्या आपकी नियत का हमें है, ये बात हम जानना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि इस देश के जो लोग हैं, जो ऑलरेडी पैदा हो गए हैं, जो पैदा होंगे उनके लिए आप कानून लाना चाहते हैं, लाइए। लेकिन जो ऑलरेडी पैदा हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब हम आपसे पूछना चाहते हैं।